आपको कंडक्टर्स के बारे में बताया, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज बताई। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जिनमें से होकर इलेक्ट्रॉन या चार्ज इजीली फ्लो हो सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, किंतु कंडक्टर्स में चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होते हैं, और वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं। जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कंडक्टर के अंदर क्या हुआ था, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया था। और उसमें मैंने बताया था कि कंडक्टर्स में चार्ज कब तक मूव करते हैं, जब तक मूव करते हैं तब जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र था, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो एक दूसरे के इक्वली हो जाते हैं, है ना। तो कंडक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, दोनों बराबर है और विपरीत है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एक बहुत अच्छा रिजल्ट था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है ना। और करंट फ्लो कब होता है? जब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना ज्यादा हो वो करंट फ्लो नहीं कर सकता, ये बताया था। इसके बाद हम आज बताते हैं आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स कौन होते हैं, या नाम पढ़ा होगा आपने, परावैद्युत पदार्थ। ये आगे भी आएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि किसी कैपेसिटर या किसी चालक के पास, या उसमें हम परावैद्युत पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें फिल कर देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। उससे पहले, क्वेश्चन लेने से पहले ही हम इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, केवल उनकी जो पोजीशन है जहां पर वो है उसके इधर उधर वो क्या कर सकते हैं, केवल हल्के से मूव करेंगे। ठीक, अब देखिए उसके बारे में आपको बताते हैं। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई भी शेप दे सकते हैं आप चाहे सिलिंड्रिकल शेप दे दीजिए या रेक्टेंगल दे दीजिए। मैं आपको रेक्टेंगल सिलिंड्रिकल की अगर हम बात करें तो इसे हम बताते हैं, आपने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मैंने क्या बताया था, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनके अंदर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, चार्ज पोलराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं वो एक सेंटर पर नहीं रहते, बल्कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाता है और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट चला जाता है। इसी प्रकार चले जाते हैं सभी मॉलिक्यूल्स, चले जाते हैं ना। अब होगा क्या, जो अभी भी नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज तो अभी भी जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो क्यों होगा, नेट चार्ज जीरो क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव तो इक्वल है या नहीं है। पर आप एक बात सोचिए, ध्यान दीजिएगा, एक बात पर आप ध्यान दीजिए, तथ्य पर ध्यान दीजिए आप। जो वाल वाले हैं, जो बीच में है वो तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर लेते हैं, परंतु जो वाल के आसपास हैं इधर क्या होगा, निगेटिव बचेंगे, बचेंगे ना निगेटिव, और इधर क्या बचेंगे, पॉजिटिव बचेंगे। बात समझ आई या नहीं आई, मतलब क्या हुआ इस बात से, मतलब इस बात से यह हुआ कि पहले क्या बताया था कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था कंडक्टर में इनको ज्यादा था, परंतु यहां क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा पर वो कम होगा। कम क्यों होगा, भाई बीच में जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो तो न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इक्वल है, पर जो दीवार के सारे सारे हैं वो क्या होगा, उनका तो पेयर नहीं है ना दूसरा, इधर निगेटिव आ जाएगा इधर पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न होगा, इसे कहेंगे कि पोलराइज हो गया। ठीक, पोलराइजेशन हो गया चार्जेस का, और चार्जेस का पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कम होगा, वीक होगा तो पोलराइजेशन भी वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो पोलराइजेशन भी स्ट्रांग होगा। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि जो एक पोलराइजेशन है इसे डिनोट करेंगे कैपिटल पी से, किससे डिनोट करेंगे कैपिटल पी से इसे डिनोट करेंगे, और ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा प्रोपोर्शनल, ठीक। प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाएंगे, आपको कॉन्स्टेंट लगता है शाइन, क्या लगता है शाही, क्या है ये शाही, क्लियर। और शाही को इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी आगे आएगा इस वजह से आपको अभी बताते हैं, आगे जब आप स्टडी करेंगे ना तो शब्द आएगा, अभी आपको हम बता दें। पोलराइजेशन किसे कहते हैं यार, थोड़ा ये भी क्लियर कर देते हैं। पोलराइजेशन हमने दो दिन पहले आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था। पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना डाइपोल मोमेंट है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ससेप्टिबिलिटी को अगर आप डेली लाइफ से जोड़ेंगे तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, अभी धूप हो रही है बाहर, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो कोई आपने बच्चा ऐसा होगा जो जल्दी उस पर असर करेगा धूल का, धूप का, है ना। और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिस पर धूल का, धूप का, पंखा नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, गर्मी हो गई, ठंड हो गई, तो उसका कम फर्क पड़ता है, किसी पर ज्यादा, कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा होता है ना। उसी गुण को ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिव कहते हैं हम बोलचाल में, कि भाई आप क्या हो जाता सेंसिटिव है, देख आज बारिश हो गई, भीगने के डर से भीग जाता तो बुखार आ जाता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कहते हैं ना बच्चे ऐसे हैं, तो वो ज्यादा सेंसिबल है, आप कम सेंसिटिव, तो ज्यादा ससेप्टिबिलिटी है कम ससेप्टिबिलिटी। शब्द कहने में जब बार बार दोहराओगे शब्द को तो शब्द आसान लगने लगेगा, दिन में चार पांच बार दोहरा लेना जब याद आ जाए, ससेप्टिबिलिटी है ना, ये पोलराइजेशन हो गया आपका। तो अब बात अपनी शुरू करते हैं जो हम इसमें छोड़ गए, कि जो आउट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हमने, किसे रखा डायलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो क्या हुआ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, क्या हुआ अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कम हो गया, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कम हो गया, क्योंकि विरोध करने वाला आ गया ना। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो जो जब हम आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वोल्टेज डिफरेंस V इज इक्वल टू VB, वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता है, और वोल्टेज डिफरेंस कम होने से Q इज इक्वल टू होता है CB, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, क्या होगा वोल्टेज डिफरेंस कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन का जवाब आज मिल गया, क्या मिल गया कि कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखने से कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है। तो क्या जवाब मिला, जब हम डायलैक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाता है, और वोल्टेज डिफरेंस कम होने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी क्या होती है भाई, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हम एपरेटस बना रहे हैं, जो हम उपकरण बना रहे हैं कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। भाई हम लोग क्या चाह रहे हैं, आपसे इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, है ना, आपके ऊपर इतनी ज्यादा क्लास लेते हैं आपको, जबकि एडमिशन चल रहे हैं उसके बावजूद आपकी क्लास लेते हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं आपकी कैपेसिटी बढ़ाना, लंबी लंबी क्लास लेते हैं, कई कई घंटे आपको बैठे हो जाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, केवल इतना कि आप में स्टोर करने की क्षमता बढ़े, आपकी कैपेसिटी बढ़े, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो जो कैपेसिटर है उसके ऐसे यूज करते हैं कि हमने कोई मटेरियल वहां रख दिया, ऐसा मटेरियल रख दिया जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अब वो कौन है डायलैक्ट्रिक मटेरियल, माइका, पेपर, वाटर, वाटर का यूज नहीं करते हैं, माइका के रखने से कैपेसिटी क्या होती है 7 to 8 times बढ़ जाती है, क्लियर है ना बात आपको। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कैपेसिटर के बारे में, डिटेल में आपको हम लेंगे, आप उसका बार बार रिविजन आप करते रहिए,